यार मैं प्रश्न आई बराबर मान लेंगे इसे एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस फोर डीएक्स लिख लेंगे, और देखिए इसको टी मान लेते हैं तो वन बटे अंडर रूट टी आ जाएगा, और एक्स प्लस फोर का डिफरेंशिएशन होगा वो डीएक्स आएगा, तो यहाँ से हम एक्स को एक्स प्लस फोर के रूप में लिख लेंगे। तो यहां से हम करेंगे माना x प्लस फोर बराबर t, तो dx तो बराबर हो गया हमारे dt के। यहां से एक और निष्कर्ष निकलेगा कि x बराबर होगा t माइनस फोर, तब हमारा i जो है वो होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस फोर बटे अंडर रूट टी डी टी। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, टी बटे अंडर रूट टी यानी टी की पावर एक बटे दो रह जाएगा, माइनस फोर टी की पावर माइनस एक बटे दो हो जाएगा, और ये डी टी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, बटे तीन बटे दो माइनस चार और टी की पावर माइनस एक बटे दो प्लस वन यानी कि एक बटे दो धन का होगा, ऋण की आधी पावर है धन की एक है तो आधी धन की रह जाएगी ना, और आगे सी कर देते हैं तो ये आना चाहिए दो बटे तीन और ये आठ हो जाएगा यहाँ पे, और टी की पावर एक बटे दो प्लस सी, टी का मान वापस कर देंगे दो बटे तीन, और टी का मान है हमारा एक्स प्लस फोर पावर तीन बटे दो माइनस आठ और एक्स प्लस चार पावर एक बटे दो प्लस सी। ये भी उत्तर है, इसको सरल करके लिखेंगे तो दो बटे तीन एक्स प्लस चार पावर एक बटे दो हम कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस चार बचेगा और यहाँ तो आठ बचना था, जब हम तीन बटे दो का यहाँ पर भाग देंगे तो आठ गुणा दो बटे तीन, दो बटे तीन का भाग देना है तो तीन बटे दो आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आना चाहिए हमारा दो बटे तीन एक्स प्लस चार पावर एक बटे दो, कोष्टक में आएगा एक्स माइनस आठ। लेकिन ये भी सही है कि